आज गौरी पुत्र सिद्धि विनायक एवं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जन्मदिन पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज शहर के वार्ड नंबर 3 में स्थित श्री गणेश मंदिर में 21वां श्री गणेश महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही शानदार ढंग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को फूलों, रंगीन लाइटों व रंग बिरंगे गुब्बारों से बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था, जिससे मंदिर की छटा दर्शनीय थी। इस अवसर पर श्री गणेश सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री गणेश के जयकारे लगाए और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके गगनभेदी जयकारे लगाए। कोरोना से प्रभावित इस कार्यक्रम के तहत आज मंदिर प्रांगण में भगवान श्री गणेश की कथा आयोजित की गई, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों ने अपने पवित्र मुखारविंद से श्री गणेश कथा का वाचन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की और कथा अमृत का श्रवण किया। कथा समाप्ति पर खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। लोगों ने भगवान श्री गणेश को उनके पवित्र आहार मोदक का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांटा। इस आयोजन के तहत आज शुक्रवार रात्रि को मंदिर प्रांगण में भगवान श्री गणेश का संकीर्तन होगा, जो कल शनिवार को प्रातः तक जारी रहेगा। कल शनिवार को प्रातः आरती के बाद श्री गणेश जी को भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाएगा और शनिवार दोपहर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का सांकेतिक विसर्जन भी किया जाएगा। पहला बात क्या, सभी शहरवासियों को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणेश सेवा समिति श्री गणेश मंदिर की तरफ से आज 10 सितंबर को श्री गणेश कथा का आयोजन किया गया है। उसके पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। रात्रि को बाबा का गुणगान किया जाएगा और कल जो है बाबा का विसर्जन शाम को 4:15 बजे मंदिर से ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे बाबा के विसर्जन के लिए। सभी कोरोना को और को देखते हुए तो कार्यक्रम को काफ़ी सूक्ष्म रूप से और सावधानी पूर्वक रखा गया है, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और सभी शहरवासियों को फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज श्री गणेश सेवा समिति के द्वारा 21वां विशाल श्री गणपति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी अभी श्री गणेश जी की कथा संपन्न हुई है। इसके बाद रात्रि को एक सूक्ष्म रूप में, कोरोना के चलते सूक्ष्म रूप में, हम भगवान का गणपति जी का संकीर्तन करेंगे सब मिलकर। उसके बाद कल सूक्ष्म रूप में ही विसर्जन किया जाएगा भगवान गणपति जी का। लोगों से भी अपील है कि कोरोना जैसी महामारी के देखते हुए इसका ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। और सभी को बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि आगामी दिनों में होने वाले ग्राम पंचायतों, नगर पालिका व विधानसभा उपचुनावों के दौरान हमारे द्वारा चैनल पर डाले गए सभी वीडियो तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।